The term ecosystem was first time used in scientific publication by Arthur G. Tensley. A permafrost is perennial frozen ground. A permafrost is a perennial frozen ground. Next question. The word ecology was coined by German scientist Ernst Haeckel. An example of endemic plant species of Rajasthan. अब यहाँ जितने भी examples दे रखे हैं इसमें से एक भी endemic plant species नहीं है राजस्थान का, इसलिए यूनिवर्सिटी ने RPSC ने इस क्वेश्चन को भी कैंसिल आउट कर दिया था, क्योंकि इनमें से एक भी प्लांट जो है वो एंडेमिक प्लांट स्पीशीज में काउंट नहीं होता है. सेलेक्ट ऑड नंबर्स, ऑड मेंबर, पर्ल मिलेट, मेज, शुगर केन एंड राइस. आसानी से आप बता सकते हैं कि इसमें पर्ल मिलेट, शुगर केन, मेज एंड राइस. तो ये बाकी सभी जो हैं वो हीट वाले एरिया में भी हो सकते हैं, लेकिन राइस जो है वो काफ़ी पानी वाले एरिया में चाहिए होता है. नाउ ड्वार्फिज्म इज ए डिजायरेबल ट्रेड फॉर मैनी एग्रीकल्चरल प्लांट. ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाई म्यूटेशन इन द जीन्स कंट्रोलिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ सिग्नलिंग पाथवे ऑफ ए प्लांट हार्मोन. विच हार्मोन? प्लांट की जो लंबाई होती है वो किस हार्मोन के कारण बढ़ती है? वो बढ़ती है हमारी जिब्रेलिक एसिड के कारण. तो अगर वहीं पर कंट्रोल आ जाएगा जिब्रेलिक एसिड के ऊपर तो ड्वार्फिज्म इनिशिएट किया जा सकता है. द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग इज एथाइलिन. सेलेक्ट नॉन कैम प्लांट. कैम प्लांट आपने पढ़ा है, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट. सो हमें नॉन कैम प्लांट पर देखना है. अगेव, आइसोइड्स, अनानास एंड मेलस डोमेस्टिकस. सो मेलस डोमेस्टिकस इज ए नॉन कैम प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकोनिन, एलेनिन, एल्कानिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर स्पीशीज से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फोटोरेस्पिरेशन इंटरफियर्स विद CO2 फिक्सेशन बाय एंजाइम रुबिस्को. फोटोरेस्पिरेशन यूज़ेस एनर्जी दैट कुड अदरवाइज बी यूज्ड फॉर फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन. फोटोरेस्पिरेशन कॉज़ेस द रिलीज ऑफ द CO2 फ्रॉम द प्रीवियसली फिक्स्ड कार्बन. फोटोरेस्पिरेशन सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, स्पेशली क्रॉप प्लांट्स सच एज जिया मेज. सो आंसर इज आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना था. फोटोरेस्पिरेशन सब्सटेंटली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स, स्पेशली क्रॉप्स प्लांट्स सच एज जिया मेज. जिया मेज में क्या होता है, C4 प्लांट है, यहाँ पे फोटोरेस्पिरेशन होता ही नहीं है. सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ प्लांट हार्मोन दैट अफेक्ट्स स्टोमेटल मूवमेंट द मोस्ट इज. वो हार्मोन जो स्टोमेटल मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो कौन सा है भाई? एब्सिसिक एसिड हार्मोन है. एब्सिसिक एसिड ABA हार्मोन कंट्रोल स्टोमेटल मूवमेंट, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सीड्स आर जर्मिनेटेड इन द डार्क द सीडलिंग्स हैव एलोंगेटेड स्टेम्स अनडिफरेंशिएटेड क्लोरोप्लास्ट एंड अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेंडेड लीव्स. द कंट्रोल ऑफ द प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ इन डार्कनेस इज कॉल्ड. अगर हम किसी प्लांट ग्रो करते हैं देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट कम हो जाता है, दूसरा लीव्स अनएक्सपेंडेड रह जाती हैं, खुलती नहीं है. इस तरह के जो डिफ्रेंसिएशंस हो जाते हैं डार्क में और लाइट में करने में वो क्या कहलाते हैं? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस. This question is, Herbert Land dreamed of producing a whole plant from a single isolated cell was realized by Wesley and Hildebrand.
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोट्स आर डिफिकल्ट टू ग्रो इन विट्रो. एप्लीकेशंस ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी इन सीरियल palm and grasses were slow. The use of synthetic auxins in culture media helps the tissues cluster to succeed. The synthetic auxin used is 2,4-D. Normally monocots को grow करना बहुत मुश्किल होता है tissue culture में, लेकिन हम 2,4-D को डाल करके इस तरह की चीज़ में help ले सकते हैं. Hairy root disease is caused by Agrobacterium rhizogenus. Next question is, transplastomic plants are produced by genetic transfer of foreign gene to plastomes, plastic transformation using particle gun टेक्नोलॉजी. इस तरह के जो प्लांट डेवलप होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसप्लास्टोमिक प्लांट्स. नेक्स्ट इज, सेलेक्ट पेयर ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड इन मॉलिकुलर जेनेटिक्स ईच ऑफ होम गॉट 2 नोबेल प्राइज. सो द आंसर इज एलसी पर्लिंग एंड एफ सेंगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वॉज improved and used practically by Caribe Mullis. Which one of the following is not PCR based molecular marker technology? Is RFLP is not a PCR based molecular marker technology. Next question is, the smallest genome among the cereals is, smallest genome is in rice, but it is among the cereals only. Plasmid chloroplast of the autotrophic gymnosperms carry important genetic information for plant life. Their plastome is polyploid and circular plastids like with size of 120 to 170 kilobase pairs. Next question is, fluorescence in situ hybridization and genomic in situ hybridization is the gene allocation, localization, genome analysis and mapping GISH is different from FISH as. क्या difference है इन दोनों में? Entire labeled nuclear DNA of a known plant species is used as probe in hybridization to chromosome DNA in situ. Next question. Method used to isolate, purify and enrich a specific protein from a mixture using a specific antibody immobilized on a solid support is called as immunoprecipitation. Next question is, select incorrect statement. And the incorrect statement is, four. A gene can be replaced with acetosyringone, a phenolic compound. This is a incorrect statement. Next question is, select correct statement. The inheritance of plastids that carry plastomic genes. Gene does not follow Mendel's law. तो इस तरह से आप इस questions को solve कर सकते हैं और अपने exams की preparation कर सकते हैं. Botany में बहुत बार देखा जाता है कि questions repeat होते हैं. RPC में जो पहले questions आ चुके हैं तो अभी आपके first grade के exams आएंगे. उसके लिए हमें उम्मीद है कि ये question paper आपको help करेगा.